नमस्कार, बिग हेडलाइंस में आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश में बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर से आम जनता की जेब का बोझ बढ़ाया है। इस बार सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती कीमतों ने घर और बाहर का बजट बिगाड़ने का काम किया है। देश में सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए प्रति किलो की दर से बढ़ोतरी हुई है, जबकि उससे पहले दिल्ली में पीएनजी की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के 12 घंटे में ही सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। सीएनजी की कीमतें 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है, जिसके बाद दिल्ली में अब से 1 किलो सीएनजी 71.61 रुपए में मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले गुरुवार को भी सीएनजी 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ गई थी। अब तक 2 हफ्तों में सीएनजी के रेट 11.60 रुपए बढ़ चुके हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की मौजूदा दर 74.17 रुपए प्रति किलो हो गई है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में सीएनजी 78.84 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। वहीं अब महंगाई की आंच घर के किचन के बजट में भी आग लगाने का काम कर रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग अब रसोई के बजट को भी झुलसा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने गुरुवार को 14 दिन के भीतर दूसरी बार पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों को बढ़ा दिया है। आईजीएल ने पीएनजी की कीमतों में 4.25 रुपए प्रति एससीएम की बढ़ोतरी की है। नई कीमतों में 14 अप्रैल से लागू कर दी गई है। आईजीएल का कहना है कि गैस की लागत की बढ़त के बोझ को वो जनता के साथ बांट रहे हैं, जिस वजह से पीएनजी की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। इस बार अप्रैल में गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। अप्रैल में ही मई जून की झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। समूचा उत्तर पश्चिमी भारत गर्मी की आग में तपने को मजबूर है, लेकिन अब लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आसमान में बादल बढ़ेंगे और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गर्मी का कहर गुरुवार से कम होना शुरू होगा। इस बार देश में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार देश में पिछले 122 सालों में मार्च और अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का पहला टिकट पीएम मोदी ने ही खरीदा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ है। पीएमओ ने कहा है कि ये संग्रहालय आज़ादी के बाद देश के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है, चाहे उनका कार्यकाल जो भी रहा हो और चाहे उनकी जो भी विचारधारा रही हो। आरएसएस प्रमुख ने कहा, जिस प्रकार भगवान कृष्ण की उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया था, उसी तरह संतों के आशीर्वाद से भारत फिर से अखंड भारत जल्द बनेगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका से 2+2 की बातचीत के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने रूस से S-400 खरीद को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों की आशंका, रूस से तेल खरीद और मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका को 2-2 जवाब दिया। दरअसल सोमवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जिनमें कुछ सरकारी पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल हैं। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि लोग भारत के बारे में विचार रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकारों के हालात पर नजर रखता है। विदेश मंत्री ने भारत के बारे में एक तरफ की लॉबी और वोट बैंक इस तरह के मुद्दों को आगे लाती है। इससे पहले रूस से तेल खरीद के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी थी। दरअसल अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है ताकि भारत रूस से तेल ना खरीद सके। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पर उंगली उठाने से पहले यूरोप की तरफ ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जितना रूस से भारत 1 महीने में तेल खरीदता है, उससे ज्यादा तो यूरोप सिर्फ एक दोपहर तक खरीद लेता है। विदेश मंत्री के इस बयान की देश में विपक्ष ने भी तारीफ की है।
आंध्र प्रदेश में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए बड़े हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए। दरअसल आग लगने से फैक्ट्री का बॉयलर फट गया जिससे 6 लोग मारे गए। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में नाइट्रिक एसिड और मोनो मिथाइल का रिसाव हो गया था, उसी ने आग पकड़ ली और हादसा हो गया। इस फैक्ट्री में दवाओं में काम आने वाली सामग्री बनाई जाती थी। कोरोना के दंश से चीन कराह रहा है, चीन की कमर टूट गई है। चीन की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली शंघाई में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू हो गई है। कठोर लॉकडाउन भी चीन में कोरोना पर लगाम नहीं कस पा रहा है। चीन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं शंघाई में खतरनाक होते हालात को देखते हुए भारत ने अपनी काउंसलर सेवाएं बंद कर दी हैं। शंघाई में लॉकडाउन की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जरूरी चीजों के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ रही है। लोगों के पास खाने की चीजें नहीं बची हैं जिस वजह से सुपरमार्केट में लूट हो रही है। न्यूयॉर्क पुलिस ने ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन में 10 लोगों को गोली मारने के एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का नाम फ्रैंक जेम्स है, वो 62 साल की उम्र का है। आरोपी शूटर को पुलिस ने मैनहट्टन से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ बिग हेडलाइंस पर फिलहाल इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।